जोश बाका। तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बोल रहा था कोई अरेस्ट की तैयारियां कर रहे हैं। अरेस्ट? ए, बैठ जाती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन की शैतान के 26 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन के बारे में। तो इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म क्रू और हॉलीवुड की गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के 5 दिनों के कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म द गोट लाइफ के 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो मडगांव एक्सप्रेस और वीर सावरकर के 12 दिनों के कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे 2024 की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म पुष्पा 2 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पिछले हफ्ते रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म मडगांव एक्सप्रेस के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था कुणाल खेमू ने। इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 12 दिन। बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 17,75,00,000 रुपए का किया था। वही फिल्म ने 11वें दिन 83,00,000 रुपए की कमाई की, तो 12वें दिन फिल्म कमा रही है 60,00,000 रुपए। इसी के साथ मडगांव एक्सप्रेस का शुरुआती 12 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 19,18,00,000 रुपए का हो चुका है। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 22,63,00,000 रुपए, वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 24,70,00,000 रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म शुरुआती 12 दिनों में दुनिया भर के अंदर 24,70,00,000 रुपए की टोटल कमाई कर चुकी है। लेकिन अब अगर बात करें पिछले हफ्ते ही रिलीज हुई एक और फिल्म वीर सावरकर के बारे में, जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे रणदीप हुड्डा। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म को भी सिनेमाघरों में अब हो चुके हैं 12 दिन। इस फिल्म के भी अगर 12 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात की जाए, तो इस फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों के अंदर इंडिया से नेट कलेक्शन 15,88,00,000 रुपए का किया था। 11वें दिन फिल्म का कलेक्शन 91,00,000 रुपए रहा, वही 12वें दिन यह फिल्म 80,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ वीर सावरकर 12 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 17,59,00,000 रुपए का हो चुका है। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 20,73,00,000 रुपए, वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 22,68,00,000 रुपए। जी हां दोस्तों, इस फिल्म का 12 दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन सिर्फ 22,68,00,000 रुपए का हुआ है। लेकिन अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई हॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के बारे में, जिस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश लगभग 5 भाषाओं में हिंदुस्तान में 3D, 4D, IMAX बहुत सारे फॉर्मेट्स में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को हिंदुस्तान के सिनेमाघरों में और दुनिया भर में रिलीज हुए आज हो चुके हैं 5 दिन। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने हिंदुस्तान में भी अच्छी खासी कमाई की, वही दुनिया भर से भी फिल्म का कलेक्शन काफी शानदार हो चुका है। सबसे पहले अगर बात करें इंडियन कलेक्शन की, तो गॉडज़िला एक्स कॉन्ग ने इंडिया में ओपनिंग ली थी 15,22,00,000 रुपए से, और 3 दिनों के वीकेंड में फिल्म ने 44,74,00,000 रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया था। वही चौथे दिन फिल्म की कमाई 5,32,00,000 रुपए रही, तो 5वें दिन फिल्म 4,60,00,000 रुपए कमा रही है। इसी के साथ गॉडज़िला एक्स कॉन्ग का शुरुआती 5 दिनों में ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 54,66,00,000 रुपए का हो चुका है। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की वेबसाइट्स के मुताबिक इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन अभी तक $228 मिलियन का किया है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,900 करोड़ रुपए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म लगभग 2000 करोड़ के आंकड़े के करीब आ चुकी है, और कल तक शायद ये फिल्म 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई दुनिया भर में कर जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म का एक बजट 1,125 करोड़ रुपए है, यानी कि $135 मिलियन। यानी कि दोस्तों यहां पर गॉडज़िला एक्स कॉन्ग बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन अब बात की जाए इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म द गोट लाइफ के बारे में। पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ, जो कि एक मलयालम मूवी है, लेकिन इस फिल्म को मलयालम के अलावा साउथ की बाकी लैंग्वेजेस और हिंदी डब में भी रिलीज किया है। बताना चाहूंगा दोस्तों, जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो फिल्म को साउथ लैंग्वेजेस में तो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन इस फिल्म का हिंदी में कोई खास प्रमोशन नहीं किया गया था, जिसके चलते फिल्म की हिंदी में ओपनिंग काफी धीमी रही थी। लेकिन यह फिल्म काफी शानदार है, और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इस फिल्म की पब्लिसिटी हिंदी मार्केट में भी अच्छी खासी हो गई, जिसके चलते ही यह फिल्म इस वक्त सभी भाषाओं से
दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई करती जा रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि फिल्म गुरुवार रिलीज हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 6 दिन। और अगर बात करें दो गोट लाइफ के 6 दिनों के सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग 7 करोड़ 60 लाख रुपए से ली थी। वही 4 दिनों के वीकेंड में फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 31 करोड़ 22 लाख रुपए का किया था। 5वें दिन फिल्म का कलेक्शन 4 करोड़ 57 लाख रुपए इंडिया नेट रहा था। वही बात करें आज यानी कि 6ठे दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों द गोट लाइफ अपने 6ठे दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 4 करोड़ 30 लाख रुपए। इसी के साथ द गोट लाइफ का शुरुआती 6 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 47 करोड़ 61 लाख रुपए। बता दें दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 33 करोड़ 53 लाख रुपए कमाए है। और इसी के साथ इस फिल्म का शुरुआती 6 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 81 करोड़ 14 लाख रुपए का हो चुका है। अब आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म का बजट 80 करोड़ रुपए और फिल्म 6 दिनों में ही 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। और जिस तरह फिल्म डेली कमाई कर रही है उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। वही अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म क्रू के बारे में, तो दोस्तों कॉमेडी ड्रामा फिल्म क्रू, जिस फिल्म में हमें देखने को मिली थी तब्बू, करीना कपूर, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा का भी एक कैमियो था। इस फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ रुपए और इस फिल्म को सिनेमाघरों में आज कंप्लीट हो चुके हैं 5 दिन। बता दो दोस्तों यहां पर क्रू फिल्म ने हिंदुस्तान में तो ताबड़तोड़ कमाई के साथ ही साथ फिल्म का विदेशों का कलेक्शन भी पूरी तरह से कमाल का रहा। और इसी वजह से दोस्तों जितना इस फिल्म का बजट था उससे कहीं ज्यादा कमाई तो फिल्म 5 दिनों में ही कर चुकी है। और यह फिल्म इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरहिट फिल्म बनने जा रही है। हालांकि बात कर ली जाए द क्रू के 5 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग 10 करोड़ 28 लाख रुपए की मिली थी। वही फिल्म ने 3 दिनों के वीकेंड में 32 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे। 4थे दिन मंडे था, फिर भी फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 65 लाख रुपए का रहा। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को जो आज ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले हल्की फुल्की ड्रॉप हुई है। यानी कि दोस्तों द क्रू फिल्म अपने 5वें दिन भी इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है। इसी के साथ द क्रू का शुरुआती 5 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 41 करोड़ 75 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 49 करोड़ 30 लाख रुपए। बता दें दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 28 करोड़ 65 लाख रुपए टोटल कमाई अब तक कर ली है। और इसी के साथ करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की क्रू का 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 77 करोड़ 95 लाख रुपए हो चुका है। जी हाँ दोस्तों फिल्म 5 दिनों में 77 करोड़ 95 लाख रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें इस साल के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरहिट फिल्म शैतान के बारे में, तो हॉरर ड्रामा फिल्म शैतान, जिस फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन के साथ में हमें आर माधवन और ज्योतिका देखने को मिले थे, इस फिल्म को सिनेमाघरों में इस वक्त 4था हफ्ता चल रहा और फिल्म 4थे हफ्ते में भी ठीक ठाक कमाई करती जा रही है, जबकि फिल्म के पास स्क्रीन अब काफी कम रह गई है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि शैतान, जिसका बजट 60 करोड़ रुपए था और फिल्म को सिनेमाघरों में आज हो चुके हैं 26 दिन। बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, दोस्तों शैतान फिल्म ने शुरुआती 3 हफ्तों में ही 137 करोड़ 72 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था। और 4थे वीकेंड में फिल्म का कलेक्शन इंडिया से 4 करोड़ 34 लाख रुपए का रहा। वही फिल्म ने 25वें दिन 78 लाख रुपए की कमाई की, तो 26वें दिन ये फिल्म 65 लाख रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों अजय देवगन की शैतान का शुरुआती 26 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 143 करोड़ 49 लाख रुपए का हो चुका है, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 170 करोड़ 25 लाख रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 26 दिनों के अंदर हो चुका है 203 करोड़ 21 लाख रुपए का। जी हां दोस्तों फिल्म 26 दिनों में 203 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट पैन इंडिया फिल्म पुष्पा द रूल यानी कि पुष्पा 2 के बारे में, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फाहद फासिल की पुष्पा 2 जो कि रिलीज होगी 15 अगस्त के मौके पर, आपको दोस्तों मैं 2 हफ्ते पहले ही बता चुका था कि पुष्पा 2 का जो टीजर है वो अल्लू अर्जुन के जन्मदिन के मौके पर यानी कि 8 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो अपडेट थी वो कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि पुष्पा 2 के मेकर्स ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पुष्पा 2 का जो टीजर है वो 8 अप्रैल को ही रिलीज होगा। तो हमारी जो अपडेट थी वो 100% करेक्ट साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों
यहाँ पर पुष्पा 2 के अलावा अल्लू अर्जुन की जो अगली फिल्म है जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं अटली कुमार, और उस फिल्म में म्यूजिक होने वाला है अनिरुद्ध का, जिसकी न्यूज़ भी मैं लगभग आपको 2-3 हफ्ते पहले दे चुका था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि अटली कुमार और अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने ये आई है कि इस फिल्म की जो हीरोइन है वो भी फाइनल कर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अटली कुमार के डायरेक्शन में बन रही अल्लू अर्जुन की जो अपकमिंग फिल्म है, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के सामने आप सबको देखने को मिलने वाली है सामंथा। जी हाँ दोस्तों, सामंथा जो इससे पहले अल्लू अर्जुन के साथ में सन ऑफ सत्यामूर्ति में नजर आ चुकी है और पुष्पा 1 में भी उनका एक आइटम सॉन्ग था, तो फाइनली सन ऑफ सत्यामूर्ति के बाद में अल्लू अर्जुन और अटली कुमार की इस फिल्म में हमें सामंथा एक बार फिर से अल्लू अर्जुन के अपोजिट देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों यहां पर पुष्पा 2 तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अटली कुमार और अल्लू अर्जुन की जो फिल्म है ये फिल्म भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने का दम रखती है, क्योंकि अटली कुमार जो इससे पहले जवान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दे चुके हैं और फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन जो कि पैन इंडिया सुपरस्टार है, तो यहां पर जो एक्टर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन है ये पूरी तरह से धमाकेदार है। साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी अनिरुद्ध है, तो इतना तो कन्फर्म है कि भैया यहां पर अल्लू अर्जुन, अनिरुद्ध और अटली कुमार मिलकर जो फिल्म बना रहे हैं ये फिल्म इंडियन सिनेमा के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है यहां पर पुष्पा 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।